गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं बात स्पाइडर प्लांट्स के बारे में। ये 12 महीने रहता है और इंडोर प्लांट्स है, बहुत अच्छा लगता है और इसकी कटिंग भी लगती है। कटिंग क्या, उखाड़ करके इसमें एक प्लांट से अनेक बनते हैं और इसकी मेंशन जो है बिल्कुल ईजी है और ये 12 महीने रहता है। और ये देख सकते हैं आप, छोटे से गमले में लगाया मैंने, अच्छे से चलता है ये, छोटे गमले में, छोटे से छोटे में भी चलता है। तो इसे ज़रूर लगाए, देखने भी धारीदार बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। साइड में पट्टी है इसकी ग्रीन है और बीच में जो है वाइट है, वाइट और ग्रीन तो बहुत ही कॉम्बिनेशन वाला होता है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है। तो ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ही है और 12 महीने ये लगा रहता है। तो इस प्लांट को ज़रूरी है, ज़रूर लगाएँ। और छोटे छोटे गमलों में लग जाता है, बड़े में लगाना आपकी मर्ज़ी है। और इसमें पानी भी कम देख सकते हैं आप, इसकी जड़ें जो है वो ऐसी होती है लहसुन की तरह लंबी लंबी सी वाइट, बस इसी से बढ़ते जाते हैं, इतनी मोटी मोटी जड़ें हैं इसकी। तो ये भी जूसी है, इसमें पानी कम डालना है और अंदर रखे इसको हवादार में, धूप में, जहाँ इस पर थोड़ी रोशनी पड़े और ज़्यादा धूप में ना रखें इसे। ये देखें बिल्कुल ग्रीन और अपनी सुंदरता बखेरे रखता है ये, 12 महीने जीवित रहता है ये प्लांट। ठंड हो चाहे गर्मी हो, 12 महीने इसी तरह से रहेगा और अंदर भी रहता है ये। बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो, मैंने परचेज़ किया था ये नर्सरी से, मार्केट से नहीं लाया, ये नर्सरी से लाया। नर्सरी में जो है बिल्कुल दाम भी सही होते हैं और थोड़े से दाम में मिल जाते हैं ये बहुत ही, और बाहर अगर आप मार्केट से लेते तो बहुत कॉस्टली देते हैं, इसलिए नर्सरी से ही परचेज़ करें। जैसे धीरे धीरे पता लगता है कहाँ प्लांट की कीमत क्या है, तो मैंने नर्सरी से परचेज़ किया है। बहुत ही सुंदर है, अपने इंडोर प्लांट्स में शामिल करें इसे, बहुत ही प्यारा लगता है, ग्रीन और वाइट शेड वाला है। इसके लिए देख रेख बिल्कुल थोड़ी सी देख रेख में अच्छे से चलता है ये प्लांट। तो ये थी मेरी स्पाइडर प्लांट्स के ऊपर वीडियो, कैसी लगी ज़रूर लिखे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। स्पाइडर प्लांट्स ज़रूर लगाएं एक बार, गोबर मिट्टी रेत तीन चीज़ें, और अच्छे से आपका प्लांट जो है चलेगा। पानी कम और ज़्यादा अंधेरे में नहीं रखना, थोड़ी खिड़की की रोशनी और हवा ज़रूरी है, धूप लगानी ज़रूरी नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपका प्लांट जो है धूप में बिल्कुल सूख जाएगा, फिर धूप में रखना ही नहीं है इसे। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं बात बिगोनिया प्लांट्स। ये है बिगोनिया प्लांट्स, अपने आप में सारी सुंदरता बखेर रखी है इसने। ये देख सकते हैं पत्तियाँ भी कलर मतलब शेड वाली है, इसमें छोटे छोटे बिंदु बने हैं लाल रंग के, बहुत ही सुंदर ग्रीन, और अभी जस्ट लगाया ही है मैंने, तो ये नर्सरी से परचेज़ किया है, बहुत ही सुंदर। और इसमें छोटे छोटे बल्ब आएंगे अभी और उसमें से फिर फूल निकलेंगे, इतने प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुंदर गोल गोल फूल लगते हैं रेड कलर के। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं आप। ये भी 12 महीने रहता है, बस ठंड से बचाना है इसे, जैसे सर्दी में पाले में बाहर नहीं रखना है। और हमेशा इस तरह से जब खिल जाता तो बड़े गमले में पूरा भर जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है, एक लगता है प्यारा सा बगीचा हो हमारे, बहुत ही प्यारा लगता है, देखने में भी सुंदर है बहुत ही ज़्यादा। इसका नाम है बिगोनिया प्लांट। तो बहुत सारे बढ़ते हैं आगे से आगे, ये जितने मर्जी लगाओ, अभी तो शुरुआत है, एक एक टहनी से भी एक से अनेक बन जाते हैं ये प्लांट, बहुत ही सुंदर है। और छोटे से गमले में एडजस्ट हो जाते हैं, बड़े में भी लगाएंगे आप तो उतने ही फैलेंगे, अगर बहुत ही बड़े में या आगे क्यारियों में लगाना तो आपने इतनी सुंदर लगती है क्यारी लगा के देखना एक बार, लंबी क्यारियों में बहुत ही अच्छा ऐसे लगता है। लाल कालीन बिछा रखी है, लाल और ग्रीन, इतनी अच्छी डिज़ाइन और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ भी देख रहे होंगे आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर ऐसे गोल गोल, और यहाँ इसका फूल निकलेगा ऊपर को, और ज़्यादा हाइट नहीं होती इनकी, इतनी छोटे छोटे में आगे 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 फैलते जाते हैं और पत्तियाँ हैं गोल, साइड में इसमें रेड है बिल्कुल धारियाँ बनी हुई और बीच में ग्रीन है, बहुत ही प्यारा लगता है प्लांट भी, और ऑक्सीजन के लिए बहुत ही भरपूर है और देखने को भी सुंदर है, ऑक्सीजन से ज़्यादा देखने के लिए भी बहुत ही सुंदर है। लुक वाइज तो माशाल्लाह ये बहुत ही सुंदर है, ये देख सकते हैं आप,
पत्तियां देख लो इसके, या फूल देख लो, या टहनी देख लो, ये भी जूसी है, इसमें भी पानी लिमिट में ही डालना है। ये देखें, छोटे से गमले में लगा लें आप, बहुत ही सुंदर लगते हैं। छोटे से गमले में आपकी जगह भी ज़्यादा नहीं लेगा, ये छोटे छोटे गमले में लग जाते हैं, जैसे छोटे छोटे मग्गे होते हैं या छोटे छोटे कुछ भी छोटे छोटे डब्बे होते हैं उसमें लगा लें आप, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारा। तो ये थी मेरी बिगोनिया प्लांट्स के ऊपर, बिगोनिया BEGONIA बिगोनिया प्लांट्स के ऊपर बातचीत। तो कैसी लगी ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। गाइस गुड मॉर्निंग। तो इससे पिछली वीडियो दिखाई थी मैंने एलोवेरा की, ये भी एलोवेरा की फैमिली का है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कैसे बढ़ता है, ये गमले के अंदर गोल 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 घूमता है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। दूसरे वाले की जो मैंने दिखाई थी वीडियो, देख सकते हैं आप, उसके बहुत लंबी लंबी टहनी जाती, इसकी नहीं जाती। ये भी कांटेदार है, जैसे साइड में कांटे हैं, उस दूसरे वाले में भी कांटे होते हैं, इसमें ज़्यादा तीखे हैं, और इसकी पत्तियाँ और टहनियाँ छोटी होती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती और छोटी छोटी होती है, और गोल गोल गुलाब के फूल की तरह ये खिलता जाता है, गुलदस्ते की तरह जैसे गोल गोल बनता जाएगा, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा बढ़ेगा ये, बाकी गोल गोल ही जाएगा इस तरह से, ज़्यादा लंबे नहीं होते जैसे दूसरे एलोवेरा होते। ये भी एलोवेरा की फैमिली का ही है। तो ऑक्सीजन, जैसे हमारे जहरीले टॉक्सिन को अब्जॉर्ब करते हैं, ये एलोवेरा है बहुत फ़ायदेमंद। इसे अपने सिरहाने के पास रखें, और जैसे आप रात को सांस भी लेते हैं, जहरीले टॉक्सिन बाहर निकलते तो उनको अब्जॉर्ब करता है ये, और फ्रेश हमारी तरफ छोड़ता है। तो ये एलोवेरा की प्रजाति का ही है, वैसे अलग अलग होते बहुत सारी प्रजातियां एलोवेरा की भी। ये देखें, देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, और छोटे से गमले में आ जाता है, बहुत ही छोटा गमला। ये देखें, साफ़ करने को अभी परचेज ही किया है, तो इसे साफ़ करूँगी, और बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, इस तरह से कांटे ही कांटे दिख रहे हैं, वैसे तो इसमें शो के लिए तो बहुत ही सुंदर है, ऑक्सीजन और शो के लिए बहुत ही सुंदर है। ये देखें, ऐसे छोटे छोटे, और कटिंग से नहीं, ये ऐसे भी लग जाते। अगर कटिंग करके लगाना है तो एलोवेरा को केले में, जैसे केला होता है, उसको बीच में से छिलका थोड़ा सा कट लगा के उसमें इसकी टहनी काट के लगा दें आसानी से, और गमले में रख दें उस केले को, तो बहुत अच्छे से लग जाता है उस तरह से एलोवेरा का प्लांट, बिल्कुल इजी से। पट के लगाने की भी ज़रूरत नहीं, इसकी टहनी काट करके और केले में कट डाल के केले में लंबा रखे ऐसे केला, और उसमें तीन टहनियाँ तो आ ही जाएगी, आपका एलोवेरा बहुत ही घना और बहुत जल्दी से बढ़ेगा। तो ये थी एलोवेरा के ऊपर बातचीत, कैसी लगी ज़रूर लिखें। और ऑक्सीजन के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, हमारी बीमारी जैसे जहरीली वो गैस होती है कमरे के अंदर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, सांस की होती है, जैसे बहुत सारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, तो फिर जैसे एक ही कमरे में सोए हो, जैसे मान लो तीन से चार, तो कितनी सांस लेते, जहरीली सांस निकलती है हमारी, और सोए सोए जैसे हमें तो पता भी नहीं होता है, उसलिए कमरे में लगाएंगे आप, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत ही लाभकारी है। जिनकी फैमिली बड़ी उनको तो इंडोर प्लांट्स लगाने ही चाहिए, बेशक आप छोटे छोटे गमले में लगाओ, बट ज़रूर लगाओ ऑक्सीजन के लिए। ये देखें जी, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो इसमें भी पानी की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना, वरना सड़ जाएगा। पानी हफ्ते में एक बार थोड़ा सा, आधी सी कटोरी काफ़ी इसके लिए पानी की, एक हफ्ते में छोटी सी कटोरी वो भी आधी, क्योंकि ये खुद ही देख सकते हैं आप जेली होता है बहुत ही ज़्यादा।